पहली चीज जिसकी तरफ हम सबको मुतवज्जे होना चाहिए रमजानुल मुबारक के आने से पहले, वो है रमजान की तैयारी। आप आम रोजमर्रा जिंदगी के मुशाहिदे में देखते हैं कि किसी भी अहम काम के लिए लाजमन तैयारी की जाती है। अगर कोई काम भी तैयारी के बगैर शुरू कर दिया जाए तो उसमें वो रूह नहीं आती, उस काम को आप सही तौर पर एंजॉय नहीं कर सकते और उसका हक अदा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इम्तिहान के आने से पहले आप क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। अगर कोई शख्स तैयारी के बगैर इम्तिहान देने लगे तो उसका नतीजा आप देख सकते हैं। अगरचे वो पास भी हो जाए लेकिन उसकी फीलिंग क्या होती है? तो ये एक हकीकत है कि दुनियावी जिंदगी के कामों के साथ साथ इबादात में भी यही उसूल है। नमाज जैसे अहम फरीजे के लिए आजान और वुजू तैयारी की हैसियत रखता है, वरना तो घड़ियों को देख के, सूरज के ढलने, गुरूब होने, चढ़ने को देख के नमाज पढ़ी जाती। और जिन मुल्कों में आजान की आवाज नहीं आती या जिन घरों में आजान की आवाज नहीं आती, वहां पर नमाज उस तरह रूह परवर नहीं होती जिस तरह उस जगह पर जहां आपको आजान की आवाज आती है और उसके बाद आप चाहे दुनिया का कोई काम कर रहे हो, आपके दिमाग पर, आपकी सोच पर क्या चीज हावी हो जाती है? नमाज का वक्त हो गया, जल्दी करो ये काम, जल्दी समेटो, नमाज का वक्त है। तो आजान के साथ ही आपकी नमाज की तैयारी शुरू हो गई। तो गोया कोई भी काम हो उससे पहले तैयारी का करना, और तैयारी में दो चीजें आती हैं, नंबर एक जहनी तैयारी और नंबर दो अमली तैयारी। जहनी तैयारी में क्या चीजें शामिल हैं? कि आप अपनी सोच को, अपने ध्यान को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को उस तरफ मोड़ना शुरू करें, ऐसे असबाब और ऐसे हालात से गुजरें कि जिससे आप जहनी तौर पर उस चीज के करने के लिए फोकस हो जाए। अमली तैयारी में क्या चीज आती है? कि मसलन आपको मालूम है कि रमजान में आपको इतना राशन चाहिए, जैसे घरेलू खवातीन है जो घर चलाती, इतना राशन चाहिए, ये चीजें खरीदना है, या ईद पे कपड़े बनाना है, या और जो भी आप समझते हैं कि आपको इतने लोगों को रोजा इफ्तार कराना है, या जकात देना है, या सदका खैरात करना है, या दरसे कुरान देना है, या जो भी काम आप रमजान में करने वाले हैं, अगर बैठकर रमजान से पहले उनके बारे में मुजाकरा कर लें, डिस्कशंस कर लें, गुफ्तगू कर लें, तैयारी कर लें, अमली तौर पर आप बाजार जाकर अपना हिसाब किताब कर लें कि कितना खरीदो फरोख करनी, या मंगवा लें, अगर आप खुद नहीं जाते तो भी मंगवा के सब चीजें किचन की एक तरह से दोबारा सेटिंग करके हर चीज सहरी इफ्तारी के एतबार से, फिर टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए जिसको देख के आप सहरी इफ्तारी के औकात फॉलो करते हैं। फिर इसी तरह अगर आपको कहीं और तरावी पढ़ने के लिए जाना है तो सवारी का अरेंजमेंट, ये किसके साथ जाना है, ये किसको और साथ में लाना है, ये सारी चीजें रमजान से पहले एक एक करके, जिनका अभी मैं जिक्र करूंगी, इनको अमली तौर पर भी तैयार करके रख लें अपने पास। इससे आसानी ये होगी कि जब काम शुरू होगा तो आप राइट अवे काम डे वन से शुरू कर देंगे, और अगर आप तैयार नहीं होंगे तो पहला अशरा तो आपका सिर्फ सोच बनाने में गुजर जाएगा कि अच्छा रमजान आया, जो जो काम आपको करने हैं ये चीजें आपने रोज करनी है। मसलन मैंने लिख के रखा हुआ कि सबसे पहले सुबह में क्या पढ़ना है, उसके बाद तस्बीहात कौन सी करनी, हालांकि मुझे पता है ये करनी है, लेकिन फिर भी मैं कामों के प्रेशर में बाजू को भूलने लगती हूँ, तो मैं वो कार्ड मुझे याद दिलाता है कि आज मैंने ये काम नहीं किया। कि मसलन अगर आपने अपने ऊपर कुछ नफल बांधे हुए हैं या कुछ जिक्र खास करना है आपको, खास से मुराद मसनून ही है, वजीफा मुराद नहीं है कि हजार दफा कुछ, लाख दफा कुछ पढ़ना है, तो उन सब के इन्हीं तरतीब बार अपने चीजें लिख कर रख लें। फिर यह है कि जाए नमाजें वगैरह धो के साफ सुथरी कर लें, क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाद घरानों में इसका एहतमाम नहीं होता, और बहुत फ्रीक्वेंटली चीज देखने में आती है कि लोग सारा घर साफ रखते और एक जाए नमाज गंदी रह जाती है, शायद वो माइंड करते हैं उसको धोना या गुनाह समझते हैं। तो इबादत में लुत्फ के लिए क्या है, थोड़ा सा घर की सफाई को भी देख लें, किचन की सफाई, घर की सफाई, अपने बेड की, कमरे की, जहां आपको इबादत करनी है, जहां पढ़ना है, किताबों की शेल्फ की, अलमारी की, यानी हर एक चीज जो है बिल्कुल तरतीब से कर लें, और इतनी तरतीब से कर लें, बल्कि मैं तो बाजू का ये किया करती थी कि जो बेड बिस्तर वगैरह साल भर उठते रखे जाते हैं वो मैं रमजान से पहले चादरें हर चीज इस तरह ऐसी जगह पर रख लेती थी कि बस सिर्फ एक मिनट उसमें लगे और हर चीज जल्दी जल्दी तब्दील हो जाए।
और लॉन्ड्री भी रमजान के लिए बचा के नहीं रखें, सब कुछ वॉश कर लें, क्लीन कर लें। और इस तरह आप जब रमजान, जैसे लोग ईद की तैयारी करते हैं, तो ईद से बढ़कर आप रमजान के लिए अमली तौर पर तैयार हो जाएं, और साथ साथ कार्ड पर जहनी तौर पर इबादात की तफसील लिखकर वो तैयारी कर लें। और फिर खासतौर पर ये बात कि कोई भी नेकी जो नफल का दर्जा रखती है आम दिनों में, वो रमजान में फर्ज का अजर व सवाब पाती, जो आम दिनों में नफल का मकाम रखती है वो रमजान में फर्ज का मकाम रखती। फिर इसी तरह फर्ज जो है वो 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। फिर इसमें हमदर्दी और गमखारी का महीना है, तो एक दूसरे के साथ आप हमदर्दी और गमखारी किस तरह करें। फिर इसी तरह शहरुल मुआसात के अलावा खासतौर पर इफ्तार का जो अजर बताया गया है, तो इसमें भी आप देखिए कि घर वालों को भी आप इफ्तार करा सकते हैं। इफ्तार पार्टी से मुराद नहीं है, इससे इफ्तार कराना मुराद है, खजूर के साथ, पानी के घोंट से, लस्सी के घोंट से, जो भी अवेलेबल है। फिर खासतौर पर सर्वेंट्स के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई कि उनके ऊपर ऐसा बोझ ना डाला जाए कि जो उठा ना सकें। आमतौर पर लोग आखिरी वक्त में गर्म पराठा खाते रहते हैं और दूसरों की सहरी का ख्याल नहीं रखते कि उन लोगों को खुद भी खानी, या वो लोग बहुत अर्ली बेचारे खा के फिर सारे घर को सर्व करते हैं, हम खुद सोते हैं और उनको काम में लगाए रखते हैं। तो इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इसी तरह इफ्तार के वक्त में भी उनकी मदद करना, टेबल लगाने में, उठाने में, बर्तन धुलवाने में, ताकि वो भी नमाज पढ़ सके। देखिए वो नमाज कैसी है जो आप खुद पढ़ रहे हैं और आपके घर के मुसलमान सर्वेंट्स नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। वो रोजे कैसे हैं कि आप खुद रोजे रख रहे हैं और आपके घर के सर्वेंट्स जो है उनको रोजे की परवाह ही नहीं, पता ही नहीं। और अगर कई दफा मैंने ऐसे लोगों से बातचीत की है कि आपने रोजा रखा, तो कभी भी हम कहां से रोजा रख सकते, हमारे तो काम ही बहुत है। इतना उस वक्त अफसोस होता है कि क्या ये नहीं हो सकता कि रमजान में कुछ काम कम कर लें। कई लोग तो नए काम शुरू कर लेते हैं, घरों की सफेदी शुरू कर देते हैं, पेंट कराने लगते हैं, फर्नीचर बदलवाने लगते हैं, वो कहते हैं और तो कोई काम नहीं है अब, क्योंकि दिन की पार्टियां वार्टियां, कॉफी पार्टीज खत्म हो जाती हैं। तो वो इस महीने को किस तरह लेते हैं, घरों की रेनोवेशन के लिए, और उसमें बेवजह में हम सर्वेंट्स वगैरह का काम बढ़ा देते हैं। तो इस चीज से परहेज करने की जरूरत है कि इस महीने को इबादत का महीना समझ के मनाया जाए, ना कि दुनियादारी करते हुए। फिर इसमें आप देखिए कि जैसे आपने जाती काम जो करने हैं उसमें रोजा रखना है, और रोजे में सिर्फ रोजा रखना नहीं है बल्कि हदीस में आता है ना, जिसने रोजा रख के झूठ बोलना ना छोड़ा और झूठ पे अमल करना और लड़ाई झगड़ा और फोहश गुफ्तगू और इन चीजों को नहीं, तो फिर उसका रोजा रोजा नहीं, क्योंकि रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं। फिर इसी तरह नमाज के लिए आप एक टारगेट इस रमजान में रख सकते हैं, या आप ये रख लें कि ज्यादा नवाफिल पढ़ने, या ये रख लें कि खास खुशु खुजू का, या ये कि अव्वल वक्त, यानी कोई एक टारगेट अपना रख लें कि मैं इस रमजान में अव्वल वक्त नमाज पढ़ूंगी, सारी नमाजें अव्वल वक्त। और इस तरह आपको कैसे पूरा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह आम दिनों में फजर आपके लिए अव्वल वक्त पढ़ना मुश्किल होती है, उठते उठते कुछ देर हो जाती है, लेकिन रमजान में तो आप उठे हुए ही होंगे। ये नहीं कि आप सहरी के बाद, जो लोग खुद काम करते हैं घर का, तो वो क्या करना शुरू कर दें, बर्तन धोना शुरू कर दें, किचन साफ करना शुरू कर दें, उसको फर्श धोना शुरू कर दें, और सारे काम करते करते सवेर कर दें, और जब थोड़ी देर रह जाए सूरज निकलने को तो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लें। ये नहीं करना, तवील नमाज पढ़ें, क्योंकि फजर की नमाज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब नमाजों से ज्यादा तवील होती थी। तो उसको मसनून तरीके से पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अंधेरे में शुरू करते थे और थोड़ी थोड़ी रोशनी हो जाती थी जब खत्म करते थे। हम में से हम लोगों ने कितनी दफा जिंदगी में मसनून नमाज फजर की पढ़ी। तो ये रमजान का मौका अगर आ रहा है तो कोशिश करें कि इसमें इस सुन्नत पर अमल हो जाए। तो सारी नमाजों को अव्वल वक्त में, यानी ये जो इबादात है रमजान में जाती इबादात, इसमें रोजे को हकीकी रोजा, नमाज को अव्वल वक्त की नमाज और खुशु खुजू। फिर इसी तरह नवाफिल में जो जो चीजें आप कर सकते हो, और उसमें खासतौर पर क़ियामुल लैल यानी जो तरावीह की नमाज है उसका एहतमाम, क्योंकि एक नफल जो है उस फर्ज के बराबर। आम दिनों में फर्जों में कोई कमी कोताही हुई तो इंशाल्लाह ताला वो उसकी कमी को पूरा करने का सबब बनेगा। इसलिए तरावी को बहुत शौक के साथ, क्योंकि इसमें मगफिरत का वादा भी है कि जो रमजान में क्याम शौक व जौक के साथ करेगा वो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। फिर इसी तरह कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक की फजर के वक्त तिलावत जो है, यानी नमाज के बाद जो आप तिलावत करें, इस तिलावत को लाउडली करने की आदत डालें। आप देखेंगे कि आपकी जबान की लुकनत और आपकी जबान की वो जो है रुकावट, वो दूर होगी इससे इंशाल्लाह। फिर इसी तरह ये जो सुबह शाम की दुआएं हैं खासतौर पर, इनको पढ़ने की आदत डालनी, और इनको आप जबानी याद करने की भी कोशिश करें और रोजाना इनको पढ़ें भी।